चलिए नेक्स्ट गेस्ट हमारे सागर जी। सागर सलाम अलैकुम जैन पटेल साहब एंड शबान बेदर साहब। मुफ्ती साहब मेरा यही एक सवाल है कि यही जो इस तकिया को लेकर कि ये इतना अच्छे तरीके से डाइल्यूट हो जाता है, मतलब दे आर वेरी मास्टर्स ऑफ डिसेप्शन, मतलब इतने गुड तरीके से डिसेप्शन मास्टर कर लेते हैं कि मुफ्ती साहब जो इमोशनली वीक होते हैं या फिर जिनका इतनी नॉलेज नहीं पढ़ पाते हैं तो वो फंस जाते हैं, उनको लगता है कि नहीं यार मुझे इनमें नहीं पढ़ना चाहिए। बट प्रॉब्लम मुफ्ती साहब यही है कि इसी तरीके से आपको कंफ्यूज करके अपनी साइड खींच लेते हैं, ये आपको मजबूर कर लेते हैं कि सहाबा रजी अल्लाह अन्हु के ईमान पे शक करने पे आ जाओ। एंड मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूं सर, दिस इज एक्चुअली पॉसिबल, दे आर वेरी गुड एट दैट, क्योंकि इन्होंने कहा है कि बस इनका मेन पता है, देखिए जैद पटेल साहब मैं खुद बता रहा हूँ कि मैं इन्हीं फैमिली बैकग्राउंड से आया हूँ, इनका मेन पता एजेंडा क्या है कि दुनिया को गदीर का मैसेज बताना, कि दुनिया को बताना कि अली की विलायत का क्या मैसेज, यही एक्चुअली मैं नहीं सच में बता रहा हूँ, यही इनका मैंने सुना है जुम्मे के खुतबे में होते हुए देखना, और यहाँ सामने आके जब बोलना कि हम मुसलमान है ना, हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी ये पे चले इस तरीके पे इस्लाम के, ना हजरत अली चले, ना हजरत हुसैन हसन, ना अली बिन हुसैन रजी अल्लाह अन्हु, कोई नहीं चला इस पे, पर ये चलते हैं स्पेशल सो कॉल्ड मेड अप अकीदे पे। तो इसको काउंटर करने के लिए हम चाहते हैं कि आप कोई ऐसे सजेशन दे जो नॉर्मल मुस्लिम इससे बच सके, क्योंकि वो इमोशनली वीक फंस जाता है इसमें। इसके सजेशन देखेंगे, एक ये कि नॉर्मल मुस्लिम्स कैसे एहतियात बरतें, और दूसरा ये कि ये जो अकीदा है तकिया का ये किस कदर गलत है, कितना गलत है ये, जो इस तरह का जो लोग कहते हैं तकिया कर सकते हैं या करना सही है तो किस कदर गलत है। जी शेख शाबान आप अपना कमेंट पहले दें फिर मैं बताऊंगा कुछ बातें। नहीं आप दे रहे थे तो मैंने कहा मुनासिब बात है तो मैं चाह रहा था चलने दिया जाए, आप बताएं लेकिन फिर मैं दूंगा। ये दो बातें हैं इसमें, एक तो बुनियादी तौर पे तकिया है और ये तो बहुत क्लियरली एक बुनियादी अकीदा है, और यानी कि ऐसा अकीदा है जिसका वो इनकार भी नहीं करते हैं। कभी हो सकता है कि किसी पब्लिक में या कहीं किसी को इमोशनल जो बनाना हो तो वहां कह दें, लेकिन बुनियादी तौर पे उसका इनकार भी नहीं करते कि भाई हाँ हम भी अकीदा नहीं करते। लेकिन उसमें एक चीज होती है कि जैसे कुछ आम लोग होते हैं, कुछ जनरल किस्म के लोग होते हैं जो अपने अकीदे नहीं जानते, यानी खुद ही वो अपना अकीदा, मिसाल के तौर पे कुरान के बारे में कुरान में तहरीफ है, ऐसा अकीदा जनरल लोग नहीं जानते, एक पब्लिक में आम पब्लिक नहीं जानती, तो अब वो अकीदा जानते ही नहीं कि उनका अकीदा है, तो जाहिर सी बात है वो यही कहेंगे कि भाई हमारे यहाँ ऐसा नहीं इस चीज। और दूसरा जो आपने कहा कि भाई तकिया का मसला है, तो बिल्कुल तकिया उनके यहाँ है और 100% है और उनकी किताबें इससे भरी पड़ी हैं और इसी पर इनका अमल शुरू से रहा है। जब क्या नाम से हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु के खिलाफ उनके आबा व अजदाद ने इंक्विजिशन चलाया और वहां से फिर हजरत अली रजी अल्लाह तआला और अमीर मुबारक रजी अल्लाह तआला अन्हु दोनों की फौजों में ये लोग रहे और दोनों तरफ से इन लोगों ने फितना फैलाने की फिर कोशिश की, इतना हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु को इन लोगों ने फतवा करने वाले वहां कहा आबा व अजदाद ने, और फिर हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु को के साथ धोखा किया और फिर उसके बाद फिर इनका सिलसिला चलता रहा, पूरी तारीख मौजूद है। तो ये पूरे सिलसिलों में हर जगह तकिया करते रहे, तो तकिया तो इनका यानी जैसा इनका खुद का कौल है कि तकिया मेरा दीन है और मेरे आबा अजदाद का दीन है, तो नौ दसवां दीन है जी, तो वो चलता रहा है। इसमें आप परफेक्ट आपने बात कही है, उसकी तारीफ की जा सकती है, जब भी बात है उसके अलावा कोई बात नहीं है। सरफराज भाई अगर जैद भाई कुछ कहना चाहते हैं इंशाल्लाह। देखिए मैं तो इससे बच गया क्योंकि मैं तो इनकी किताबों से वाकिफ हूँ, मैं पढ़ा हूँ, पर हर कोई मेरी तरह तीन दो साल बैठ के किताबें नहीं पढ़ सकता ना इनकी, क्योंकि मैं तो फैमिली बैकग्राउंड से मैं रिसर्च करना चाहता था कि हमारा कोई हदीस बेस है या नहीं, पर हर कोई नहीं करता है और खासकर जो नॉन शिया है वो तो आराम से फंस जाते हैं इनकी मासूमियत से। अच्छा इसके अंदर जैसे बुनियादी बात अगर देखें, अल्लाह ताला ने कुरान में क्या फरमाया, जो हर जुमा खुतबे में आप जो तीन आयतें सुनते हैं उनमें से एक आयत है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा, ए ईमान वालों अल्लाह से डरो और सीधी सीधी बात कह दो, मतलब सीधी बात कहो, ये है इस्लाम की तालीम। और ये ऐसी चीज है, कोई एक शख्स जो इस्लाम पे जिसका ईमान नहीं भी है वो फितरी तौर पे समझता है कि भाई सच बोलो, व कूनू मा सौदकीन, अल्लाह ताला कुरान में सूरह तौबा में फरमाया कि सच्चों के साथ रहो, और मुनाफिक की क्वालिटी बताई गई कि जब वो बात करता है कज़बा, वो झूठ बोलता है। तो मोमिन का मामला इस तरह से कि मोमिन तो स्ट्रेट टॉक करता है, सीधी बात करता है, सच बोलता है, और हमें झूठ से तो बचने सिखाया गया। और तकिया क्या है, झूठ है जो आदमी है अंदर, वो नहीं दिखा रहा है, वो नहीं जाहिर कर रहा है, तो जाहिर सी बात है अगर अंदर जो है उसके अंदर कोई शर्मिंदा होने वाली बात नहीं है, कोई बातिल नहीं है, कोई कोई नाहक बात नहीं है, तो बात करो ना, सीधे बात करो, क्लियर कट बताओ जो भी हो। और क्या होता है ना, जैसे कि कुरान की उस आयत में भी आता है
کہ یا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو، سیدھی سیدھی بات کہہ دو، یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح کرے گا۔ تو اس کی تفسیر میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ اللہ تمہارے معاملات کو سالو کرے گا، جو مشکلیں ہوتی ہیں سالو ہوتی سیدھی سیدھی بات کرنے سے۔ تو یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کتنے سارے مسائل آسانی سے حل ہو سکتے ہیں کہ دو لوگ بیٹھے آپس میں بات کریں کہ دیکھو میرے پاس یہ بات ہے، تمہارے پاس کیا بات ہے، اور جو حق بات ہے وہ بیٹھ کر کے دونوں مل کر کے فالو کریں گے۔ لیکن ہائیڈ اینڈ سیک کرنے میں اور سیدھی سیدھی بات نہ کرنے میں کیا ہوتے ہیں کہ جو سلجھ سکتے تھے مسائل وہ سلجھتے نہیں ہیں، وہ سلجھ سکتے تھے سالو ہو سکتے سلجھتے نہیں ہیں۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، ایک چاکلیٹ رہتی ہے سامنے، کوئی چیز بتائی جاتی ہے، ایک ہڈن ایجنڈا کے ساتھ آدمی ہوتا ہے، کیوں نہ اسٹریٹ ٹاک کریں، کیونکہ حق میں پاور ہے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، کہو حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ تو اگر کسی کے پاس حق ہے تو اس کو چھپانے کی کیا بات ہے، اس کو شرمندہ ہو کے اس کو ہائڈ کرنے کی کیا بات ہے؟ ہاں کلیئر کٹ بتاؤ، جو ہے بتا دو کہ میں یہ مانتا ہوں اور آپ کیا مانتے ہیں، بیٹھ کے بات کریں گے، حل ہو جائے گا معاملہ انشاءاللہ۔ تو یہ ایک بنیادی چیز، فطرت میں یہ چیز کی دلیل موجود ہے، انسان کی فطرت میں یہ چیز کی دلیل موجود ہے۔ قرآن و حدیث میں تو بے شمار دلائل موجود ہے حق اور سچ بات کہنے کے تعلق سے۔ جی جی، جانے سے پہلے بھی شاید کا نمبر بتا دیے، شعبان کچھ بول رہے ہیں۔ جی ہاں، جتنے دلائل جسے اس سے پہلے اسٹریم میں ہم لوگوں نے بات کہی تھی کہ کوئی بھی ایک حدیث دکھا دیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہو ان کی، یعنی جو جھوٹی ہیں وہ اللہ کے رسول تک نہیں پہنچتی۔ ابھی تقیہ والا مسئلہ ہی ہے، ابھی تقیہ والے مسئلے میں جب آپ سے بات ہو رہی تھی تو پورا مسئلہ میں نے کھولا اور روایت ان کی دیکھنی شروع کی، تو ہر روایت وہ ابو جعفر علیہ السلام ابو رحمۃ اللہ علیہ پانچویں اور چھٹے امام سے رحمۃ اللہ علیہ، جن کی طرف انہوں نے جھوٹ بول کے ہر بات منسوخ کی ہے، ان کی سند وہیں تک جاتی ہے، اور ابھی جھوٹ یعنی جھوٹ بول کے منسوخ کیا، اور پھر کہا کہ کیا نام سے الدین فی التقیہ، دین تقیہ میں ہے، ولا دین لمن لا تقیہ لہ، اور جس کے پاس تقیہ نہیں اس کا کوئی دین ہی نہیں، وہ تقیہ تو فی کل شیء، اور تقیہ جو ہے ہر چیز میں ہے، الا علی فی النبی والمس علی الکفین، کہا کہ ہر چیز میں تقیہ ہے، یہاں تک کہ نبیز میں اور دونوں کیا نام سے موضوع پر مسا کے سلسلے میں بھی، ایسے ہی کہا کہ التقیہ تو من دینی و دین و آبائی ولا ایمان لمن لا تقیہ لہ، کہ تقیہ میرا دین ہے، میرے آبا و اجداد کا دین ہے، اور اس کے پاس تقیہ نہیں ہے، اس کا کوئی دین ہی نہیں ہے، تو یعنی کہ نماز روزے سے بھی زیادہ اہم اس کو گردانا ہوا ہے اس جھوٹ کو انہوں نے، کیونکہ اس جھوٹ کے بغیر جو ہے چل نہیں پائے گا، جیسا کہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اور دیگر ائمہ نے فرمایا کہ اس دنیا کے سب سے جھوٹے لوگ ہیں، لوگوں سب سے جھوٹے لوگ ہیں، تو جھوٹے لوگ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک دم لازمی نتیجہ ہے کہ تقیہ کا عقیدہ رکھتے لوگ۔ جی شیخ سرفراز، ایک بات جو ہے نا یہ بھی وضاحت آ جانی چاہیے کہ مطلب اہل سنت کے ہاں بھی ایک چیز ہے جس کو ہم تقیہ کہتے ہیں، پر اہل سنت کے ہاں تقیہ یہ ہے کہ انسان خوف کی حالت میں بعض مرتبہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کو اپنے باطن کے خلاف کچھ ظاہر کرے، اور شریعت نے اس بات کی اجازت دی ہے، اللہ تعالیٰ اللہ تتقوا منہم تقا، کہ تم اس سے کوئی خوف ہو تو اس حالت میں تم اپنے دین کے خلاف ظاہر کر سکتے ہو، جیسے حضرت عمار ابن یاسر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی اور انہوں نے آ کر کے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر بہت ظلم کیا گیا اور مجبور کیا گیا کہ میں آپ کے بارے میں کوئی غلط بات کہوں، تو میں نے مجبوری کی حالت میں یہ بات کہہ دی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی آیتیں نازل کی گئیں، اللہ من اکریہ وقلبہ مطمئن بالایمان، کہ جس کو مجبور کیا گیا ہو اور اس کا دل اگر ایمان پر مطمئن ہے تو مجبوری کی حالت میں اگر کوئی بات بطور تقیہ کہہ دے تو شریعت میں اس کی اجازت ہے، لیکن وہ ایک خوف کا عالم ہے اور وہ بھی ایک رخصت ہے، وہ ایسا نہیں کہ دین کا حصہ ہے، یعنی آپ دیکھیں گے کہ اس میں ایک طرف حضرت عمار ابن یاسر ہیں تو دوسری طرف حضرت بلال بھی ہیں جن کو سلگتی ہوئی ریت پر لیٹا دیا گیا، وزنی پتھر ان کے سینے پر رکھا گیا اور ہر طرح سے ان کو مجبور کیا گیا، پر وہ احد احد ہی کہتے رہے۔ تو اہل سنت کے ہاں بھی تقیہ ہے، پر وہ تقیہ کیا ہے، بہت خوف کی حالت میں مجبوری کی حالت میں بعض مرتبہ شریعت جھوٹ بولنے کی اجازت دے دیتی ہے اور اپنے باطن کے خلاف ظاہر کو کرنے کی اجازت دے دیتی ہے، لیکن اہل سنت کے ہاں شیعوں والا تقیہ نہیں، شیعوں کے ہاں تقیہ تو ان کے دین کا حصہ ہے، یعنی امام جعفر صادق کی طرف ایک قول منسوب ہے، وہ فرماتے ہیں انکم علی دینی من قتمہ اعاذہ اللہ ومن اضاعہ اذلہ اللہ، کہ تم لوگ ایک ایسے دین پر ہو جو اس کو چھپائے گا اللہ تعالیٰ اس کو عزت دے گا، ومن اضاعہ اذلہ اللہ، اور جو اس کو پھیلائے گا، اصول کافی کی روایت ہے صفحہ نمبر 485، کہ جو اس کو پھیلائے گا اس کو ظاہر کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کر دے گا۔ تو یہ جو شیعہ تقیہ ہے اور جو اہل سنت کیا تقیہ ہے،
उन दोनों में बहुत फर्क है। अबू अब्दुल्ला की अहले सुन्नत ने इसको तकिया नाम दिया भी नहीं है और हम देंगे भी नहीं और देना भी नहीं चाहिए। नहीं जैसे वो कुरान बाद अहले सुन्नत के मुफस्सिरीन ने जो है ना जैसे वो कुरान किया इल्ला अन तत्तकु मिनहुम तुकात तो उसकी एक किरात तकिया भी जैसे याकूब ने उसको तकिया पढ़ा इल्ला अन तत्तकु मिनहुम तकिया तो इस किस्म की किरातें हैं। और वो फिर मतलब ये सिर्फ मैं बता रहा हूँ कि इस्तिलाह का मसला नहीं है, मसला ये है कि शरीयत में हमारी शरीयत में भी झूठ बोलने की इजाजत है पर वो रुखसत है, वो असल नहीं है, वो अजीमत नहीं है, वो रुखसत है। और शियों के असल यही है कि इंसान झूठ बोले। अबू अब्दुल्ला इनकी तरफ मंसूब एक रिवायत इमाम जाफर सादी की तरफ, वो कहते हैं कि या अबा उमर तिस अता आशारी दीन फित तकिया कि ए अबू उमर दीन के कुल 10 हिस्से हैं और 10 हिस्सों में से 9 हिस्सा तकिया है, यानी तकिया उनके दीन की बहुत बुनियाद है। अबू जाफर ही से एक और कॉल मरवी है, कहते हैं अत तकिया तो मिन दीनी व दीनी आबाई वला ईमान अलिमन तकिया तला कि जिस आदमी के पास तकिया ना हो उसका ईमान नहीं है। बल्कि मल्ला यादुरुल फकी बहुत मशहूर किताब है शिया हजरात के उसूल अरबा में है, उसमें तकिया के बारे में एक रिकवायत दर्ज है, वो कहते हैं लोकुल तो अन तारी का तकिया का तारी की सलाह लकुन तो सादिकन, अगर मैं कहूँ कि तकिया छोड़ने वाला वैसा ही है जैसे नमाज छोड़ने वाला तो मेरी बात सच होगी। यानी जैसे नमाज उनके दीन में एक रुकन है वैसे तकिया शिया के यहाँ दीन का रुकन की हैसियत रखता है और वो बिल्कुल नमाज छोड़ने वाली की तरह है तकिया छोड़ने वाला। तो अहले सुन्नत के यहाँ मजबूरी में इजाजत है झूठ बोलने की और इनके यहाँ असल ये कि अपना दीन छुपा करके रखो, उसको लोगों के सामने जाहिर मत करो। अहले सुन्नत के यहाँ जो इतला है जो आमतौर पे जो लफ्ज बोला जाता है अहले सुन्नत के यहाँ वो रुखसत और अजीमत है, यानी ये रुखसत है और ये अजीमत है। रुखसत में ये है कि भाई आप मजबूरी में आ गए तो रुखसत में बहुत सारी चीजें हैं, आदमी को मरने के कगार पे है तो रुखसत में आदमी हराम चीज खा सकता है, तो इसलिए रुखसत में तमाम चीजें हैं। अब रुखसत में अपनी जान बचाने के लिए अगर जान का मसला आ गया तो अपनी जान बचाने के लिए कोई लफ्ज बोल सकता है, ये भी रुखसत में है। तो अहले सुन्नत ने बुनियादी तौर पे इसको रुखसत का नाम दिया है लेकिन वो अजीमत है बाकी है, यानी कि जान का मसला करना पड़ेगा लेकिन लेकिन इस रुखसत में उतनी उसात नहीं है। अहले सुन्नत जब ये कहते हैं ना, हमारा जो ये मौकिफ है कि कभी जान बचाने के लिए झूठ बोल सकता है या किसी और चीज का इजहार कर सकता है, तो ये जो रुखसत है हमारे यहाँ रुखसत में उतनी उसात नहीं है जैसे दूसरे यहाँ तकिया के नाम पे जो उसात है ना कि मसलक बचाने के लिए, अपना अकीदा छुपाने के लिए, किसी को हराने, मतलब बहुत ज्यादा उनके यहाँ उसात है। हमारे यहाँ भाई जान जा रही हो तब, ऐसा नहीं कि कभी भी, और जान जान जाने का खौफ, ऐसा नहीं किसी ने एक दो हाथ मारने की धमकी दी और आप कुछ भी बोलने लग जाओ, ऐसा नहीं है। उसके पूरे जवाबित हैं कि कब इस रुखसत पे अमल कर सकता है, तो उसमें सबसे अहम चीज है जान जाने का खौफ हो या ऐसी तकलीफ जो नाकाबले बर्दाश्त हो, तो उसकी तफसीलात है अपनी जगह पर। इतना आसान यानी रुखसत में इतनी वसत नहीं जितना दूसरों के यहाँ, इसके जवाबित है, इसकी बहुत सख्त कंडीशन है, बहुत सख्त शर्तें हैं तभी जाके इस रुखसत पे अमल कर सकता, वरना नहीं कर सकता। एक मिसाल से हम लोग समझ सकते हैं, जैसे कि मरते हुए आदमी के लिए खिंजीर का गोश्त खाना भी जायज है, तो कोई ये नहीं बोल सकता है कि खिंजीर का गोश्त खाना दीन का 9 out of 10 हिस्सा है, या खिंजीर का गोश्त खाना ये हमारा दीन है, या ये हमारे दीन का बहुत अहम हिस्सा है। तो ये मरते हुए आदमी के लिए है, हर आदमी समझ सकता है, वो मरते हुए आदमी है, कोई जान जा रही है, तो खिंजीर का गोश्त जितनी जरूरत है जिंदा रहने के लिए उतना खाने के लिए उसकी इजाजत है, लेकिन वो कोई उसका दीन नहीं बन जाएगा। तो ये बात को हम लोग समझ सकते हैं और यहाँ पे है बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सलूशन, अगर कोई इस बात को समझ जाए सिर्फ इतना, और जो उसके दिल की आवाज से पूछे उसके अंदर दिल में एक आवाज होगी जो कहेगा नहीं झूठ मत बोलो यार, मतलब झूठ बोलना गलत है, एक इंसान फितरी तौर पे इस बात को समझ सकता है। चलिए शेख किफायत, आपका हम अभी ओपनिंग कमेंट ले लेते हैं थोड़ा लेट। इस क्लिप की फुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जरूर आए। iPlus TV ने एक नया यूट्यूब चैनल शुरू किया है जिसका नाम है iPlus TV इख्तलाफ का हल। इस चैनल पर सिर्फ इख्तलाफी मसाइल पर वीडियोस आएगी लेकिन दलायल के साथ और भाईचारगी के साथ। आपको मैं दावत देता हूं कि आप भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें और नोटिफिकेशन आइकन को ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। जज़ाकअल्लाह खैर, वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।